को लोड करने के लिए सबसे पहले हम लॉन्चर को पॉप करते हैं, इसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद बीच में ऑटो हो जाता है, जिसमें पूरी में सर सर दिक्कत करेंगे सर हो गया देख रहे हैं, भी देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है सर? ये फ्रेम लॉन्चर है। फ्रेम लॉन्चर, इससे हम मिसाइल को फायर करते हैं दुश्मन के आर्मर के ऊपर। ये है वेपन्स इंडियन आर्मी का, वेपन्स इसको लोड करने के लिए मिशन सबसे पहले हम लॉन्चर को कॉक करते हैं। यहाँ से कॉक होता है, ऐसे रहेगा ये सिंपल में। इस कंडीशन में वेंचुरी नहीं निकलेगी, इसको वेंचुरी बोलते हैं। यहाँ से अभी ओपन होगा ये पूरा बैरल। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉक करेंगे। कॉक करने के बाद ये है सर, सर 40 mm। ये इसका नाम है 40 mm मल्टीस्कोप लॉन्चर। दोनों सेम है इसको? हाँ दोनों सेम है। इसको इस तरीके से खोलते हैं, ठीक है। ये इसका सिलेंडर है, इसके अंदर हम इसमें गन्ने डाल देते हैं। बड़ा बड़ा जाता है सर? बड़ा बड़ा गन्ने डालता है। देखो इसके अंदर दिखाई दे रहा हुआ आपको बैरल दिखाई दे रहा है, है ना? इसको डालने के बाद इसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद फिर हम इस तरीके से इसको दोनों आँख खोल कर, आखिरी बंद होती है इसमें, दोनों आँख खोल करके ऐसे सिस्ट करते हैं इसको और टारगेट पर फायर करते हैं। इसका वेट अच्छा, ये इसका ब्लॉक है ना, इसके अंदर इसको इसको देख के जो टारगेट है जिसको अपन फायर करना है, ये को उसको मिलाते हैं, तब जब इसका चेंज लीवर आर पे होगा या ये है AK-47 है ना सर? थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। रशिया की बनी हुई है, रशिया की सर। कैनन में फायर कराते हैं। इसका कुल वेट 3.1 kg है। 3.1 kg, 1 kg मैगजीन का वेट है। मैगजीन के निकालने के बाद इसका वेट 322 ग्राम है मैगजीन का। बड़ी मैगजीन का वेट है 727 ग्राम। बड़ी मैगजीन के साथ इसका वेट हो जाए 4.1 kg। इसको फायर करने का तरीका, पहले मैगजीन से डाएं, फिर शिस्त लें। शिस्त लेने का तरीका बैक साइड फोर साइड, इसको मिलाते हुए टारगेट में मिलाएं और फिर धीरे से ट्रिगर प्रेस करें। ये रशिया की बनी हुई है, ये होगा। इसके चेंज लीवर की पोजीशन 3 है। अब ये शेप पे है, बीच में ऑटो हो जाता है जिसमें पूरी मैगजीन फायर हो जाती है एक साथ सर। हाँ एक साथ। ये है सिंगल फायर, सिंगल शॉट, एक बार ट्रिगर प्रेस करोगे तो एक बार ही फायर होगी। इसका चलने का सिद्धांत गैस ऑपरेटेड है, फायर करोगे गैस बनेगी, गैस इस पाइप बैंड के माध्यम से इसमें आएगी, गैस धुआं बनता है वो पहले पीछे आएगा, जो गैस का प्रेशर होगा वो पीछे लाएगा, फिर पीछे ये रिकॉल स्प्रिंग है यहाँ पे, तो जब राउंड जो यूज हो रहा है वो बाहर निकल जाएगा, फिर मैगजीन से एक और राउंड चढ़ेगा, रिकॉल स्प्रिंग अपनी पावर से उसको आगे की तरफ प्रेशर करेगा, तब ये अगला राउंड फिट हो जाता है। इसमें जाते सर टोटल, इसमें क्या बोलते सर मैगजीन में कितने? मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। 30 राउंड आते हैं, थैंक यू सर। कितने मीटर जाते हैं सर? इसकी जो कार का रेंज है वो 300 मीटर। 300 मीटर, ठीक है, थैंक यू सर। ये कौन सा है? 5.56 mm सर, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ सर। ये है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास राइफल, ठीक है। 5.56 होता है, ठीक है।
इसके साथ में इसको यूपीसीएल दिया, ये भी भारत देश का ही बना हुआ है, हमारे भारत देश का ही बना हुआ है ये यूपीसीएल, ठीक है। ये ग्रेनेड फायर करता है, पांच तरीके के ग्रेनेड इससे फायर हम कर सकते हैं, फाइव टाइप, ठीक है। और ये सिंगल और ऑटो दोनों प्रकार से फायर करते हैं। 400 मीटर इसकी रेंज है, 400 मीटर पर अगर कहीं भी दुश्मन के इलाके में गोला गिराना होता, बम गिराना होता, छोटा इससे गिरा सकते हैं, अच्छा ठीक है। इस प्रकार इसको रिलीज करते हैं यहाँ से, यहाँ से फीडिंग की कार्रवाई होती है, ठीक है, फीड कर देते हैं, इसको वापस लॉक कर देते हैं। जब आपने फायर करना होता है इस प्रकार से इसको लॉक कर देते हैं यहाँ से। इसमें साइटिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है, ये इसका ट्रिगर होता है, ठीक है, यूबीजीएल का, ठीक है। इसके बाद में इसमें टू साइडेड दी गई हैं, जो हम नॉर्मल डायरेक्ट सिस्ट लेते हैं, एक ये वाली है मैगजीन जो डायरेक्ट इससे लिया गया है, ये आपका मेन साइट और इसको लैडर साइट, ठीक है। इसके बाद में इसको बोलते हैं बबल साइट, बबल बबल, जैसे ही हम इसको क्या बबल साइट कुछ रेंजिंग सिस्टम दिया हुआ है कि भाई कितने रेंज पे हम इसको फायर करेंगे, तो 250 पे और 400 इसको इनडायरेक्टली फायर करते हैं। जैसे इस पहाड़ी के उधर फायर कराना होगा, इनडायरेक्टली ऊपर इसको बैरल करेंगे 400 मीटर उसका रेंज लेकर बबल साइट के द्वारा इसमें ये फायर कर सकते हैं। इसमें सुविधा है, मतलब डायरेक्ट ना होकर डायरेक्ट अगर वो पीछे भी है तो उसके ऊपर भी हम फायर कर सकते हैं। ये दो लग रहे हैं, यहाँ से भी फायर, यहाँ से भी होता है। ये नॉर्मल वेपन है जिससे हम सिंगल शॉट डायरेक्ट फायर करते हैं, ये इनडायरेक्ट वेपन की सुविधा नहीं है, लेकिन इसके साथ में इनडायरेक्ट भी है। अगर मान लो छुपाव है कहीं से, आड़ में है मतलब, ठीक है, उसके पीछे भी इससे हम गिरा सकते हैं, मल्टीपल है, ठीक है। इसमें भी फायर क्या है, दो तीन टाइप का होता है, सिंगल है, ठीक है, ऑटो है, रैपिड है, तीन चार टाइप का फायर करता है, स्मॉल अम्यूनिशन है, अच्छा कैरिंग है, और ये अच्छा राइफल है। सबसे अच्छा ये है कि अपना इंडियन है, इंडियन बना हुआ है, सबसे अच्छा है। बाहर से इसके अम्यूनिशन की जरूरत पड़ती नहीं है लाने की, क्योंकि बाहर से जो हम वेपन खरीदते हैं उसका क्या है, कम मिल पाता है, वो कॉस्टली भी होता है, तो ये हमारा जो है सस्ता है, इसलिए अच्छा भी है, अच्छे से फायर कर सकते हैं। और ये सर, ये सेम है, सेम रेंज कितना है दोनों का, सेम है, हाँ 400 मीटर, सेम 400 मीटर। इसके साथ में इसका क्या है, गन मशीन आता है जैसे आपने देख रहे हैं, उसमें उसमें क्या है, बाइपॉड की सुविधा दे देते हैं हम लोग, ठीक है, तो इससे क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें ऑटो नहीं है सर, इसमें ऑटो है, इसमें ब्रश्ट है, ब्रश्ट मतलब मैक्सिमम तीन राउंड एक साथ, अच्छा तीन राउंड, एक बार ट्रिगर दबाओगे तो, अगर सिंगल पर रखोगे तो सिंगल, अच्छा, और ब्रश्ट पर रखोगे तो तीन, इसमें फुल मैगजीन का, इसमें तो एक साथ ऑटो निकलता है, ऑटोमेटिक फायर करता रहता है, जब तक आप ट्रिगर दबा के रखोगे तब तक वो फायर कंटिन्यू, अच्छा, करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसमें ये लगा है ना सर, ये स्कोप है, स्कोप जैसे इसका रेंजिंग सिस्टम है, हम दिन में क्या है आँखों से उतना अच्छा से नहीं देख पाते, तो स्कोप से और अच्छा दिखाई देता है, ये देखने के लिए बहुत अच्छा है। ये नाइट के लिए भी बनाया हुआ है हमारे साथ, ये नाइट में, और ये डे के लिए, अच्छा वो नाइट के लिए अंधेरे में, हाँ पैसिव नाइट विजन, पैसिव नाइट विजन, स्कोप को देख सकते हैं सर, हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे हम सिर उठा के फोटो ले सकते हैं, मैं हूँ ना इधर, आप इधर आ जाओ मेरे पास, ये 51 है मैम, हाँ 51, थैंक यू सर। तो ये है वेपन्स इंडियन आर्मी का सर, थोड़ा ब्रीफ करेंगे। इसका नाम है 84 mm आरएल मार्कफर, ठीक सर, ये स्वीडन देश का बना हुआ है, स्वीडन देश का सर, स्वीडन का है सर, इससे हो गया, हो गया। 13 प्रकार के एम्युनिशन फायर करते हैं, कम्बैट एम्युनिशन इसका 9 प्रकार जो कि हम लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करते हैं, और 4 प्रकार का एम्युनिशन इसका है जो हम ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं।
इस्तेमाल करने का तरीका, सबसे पहले हम इसके ऊपर लॉन्चर को कॉक करते हैं, उसके बाद वेंचुरी को हम यहाँ पर फास्टिंग स्टिक और वेंचुरी स्टिक की मदद से वेंचुरी को यहाँ से हम राउंड लोड करते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से इसको दो आदमी हैंडल करते हैं, दो आदमी, वन और टू, रेंज कितना है, वन और टू, एक नंबर और दो नंबर, एक नंबर इसको कैरी करता है, वही ऑपरेट करता है इसको, दो नंबर इसका हेल्प के लिए एमिनेशन को भरता है, है ना, ये सब कार्रवाई। वेट कितना है सर इसका, वेट टोटल, टोटल वेट कितना है सर? टोटल वेट 10 केजी है इसका, 10 केजी, हाँ, और इसका कोई रेंज नहीं है सर, रेंज है पूरा एमिनेशन का, एमिनेशन का जैसे बोल्ट 85 बोन है उसका 700 मीटर, 75 बोन है उसका 500 मीटर है, ये जितना HE80 जब टैंक के खिलाफ एंटी टैंक एंटी पर्सनल है, स्मोक के लिए वगैरह, स्मोक के लिए और रोशनी के लिए, ठीक है। हम यहाँ से टिगर प्रेस करते हैं, टिगर प्रेस करते हैं, कॉकिंग राउंड पीछे का, यहाँ पे इसका फायरिंग पिन, फायरिंग पिन कैंप से जब यहाँ पे राउंड हम करते हैं तो इसके राउंड का जो है साइड में होता है परकुशन कैप, उस पर चोट मारती है फायरिंग पिन और पूरा राउंड का अंदर का मैकेनिज्म पूरा नीचे हो जाता है, उसके बाद ये क्या होता है, इधर से पूरा प्रोजेक्टर लागे जाती है और इधर ये थर्ड साइड होता है, इससे हम सिस्ट लेते हैं, हाँ, इसके रेंज स्केल वगैरह HET जितना है, HET वाइड रेंज स्केल से फर्क करते हैं, बाकी ग्रीन रेंज स्केल रेंज, रेंज इसका कुछ आर्म का कोई रेंज नहीं होता, रेंज जो होता है उसका एमिनेशन, एमिनेशन का आप जो एमिनेशन यूज करोगे उसका अलग है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये ब्रीफ कर रहे थे हमारे आर्मी के बारे में, इनका मिसाइल लोड, अच्छा ये तो अच्छा दूसरे स्पॉ, हाँ सर थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर, हाँ ये एक्टिवना मोटर है क्या सर? एक्टिवना मोटर इसकी खासियत ये है, पहाड़ी के पीछे अगर दुश्मन 200 मीटर तक गया ठीक, तो ये गोला जाएगा सीधा और खड़े रुख में पीछे नीचे आया, अच्छा तो मतलब दुश्मन मतलब बर्बाद हो जाएगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है। इसमें तीन बंदे काम करते हैं, तीन बंदे, हाँ, 1 2 3 ठीक, पहला आदेश आदेश लेता है और ये इस पर लगाता है, इस पर लगाता है साइड, इसका नाम साइड है साइड, दूसरा बम तैयार कर बम को डालता है, इसको तैयार करने में मदद करता है और तीसरा बम तैयार करता है, नंबर दो को देता है, नंबर दे वो आदेश देगा और गोला फायर होगा जहाँ पे जो हमारे सूबेदार होते हैं या उनको आदेश देता है, कमांड देते हैं, उसके आदेश पर ही काम होता है, वो आदेश देंगे तो फायर होगा 5 किलोमीटर तक इसका रहेगा, 5 किलोमीटर, हाँ, इसका गोला है 4 किलो 200 ग्राम का, 4 किलो 200 ग्राम गोला का, ठीक है ठीक है, और ये 360 डिग्री पर पूरा एंगल फायर कर सकते हैं, 360 डिग्री और 5 किलोमीटर 200 मीटर रेडियस चारों तरफ, मतलब 200 मीटर इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ, ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। इसमें तीन बंदे काम करते बता दिए, साइड है ये, बैरल है ये, बेस प्लेट है ये, माउंट है, माउंट, और ये 5 किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एग्जीबिशन भी हो गया ख़त्म, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो कल मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।